जय सियाराम गुरु जी। जय सियाराम। मैं कल भी इंतजार करता रहा आपसे, बात बोलो, नहीं हुई। बोलो, पर्सनल बात है, आपसे ही कर सकता हूँ। बोलो। मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ आपको। सुना सुना। आप जैसे गुरु, हम गुरु का हम पर ज्ञान नहीं होते तो हम आदमी ही बनकर रह जाते, कभी इंसान नहीं होते। यूँ उलझे रहते मायावी संसार में, हमें लगता दौलत के सिवा इस दुनिया में कोई भगवान नहीं होते। वाह, बहुत बढ़िया। दूसरा सुनाता हूँ। हम इस दुनिया में किसी से क्या लेने, किसी को क्या देने आए हैं। अगर रब ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो समझ लो कुछ विशेष करने आए हैं। वाह, सुंदर, बहुत बढ़िया। और गुरु जी, मैं परिवार से, दोस्त रिश्तेदार से बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ ज़िंदगी में। आपके सिवा और भगवान के सिवा बस मेरा साथी कोई नहीं है। बिल्कुल, भगवान है आपके साथी। जी, आपकी कथा सुनता हूँ, लेकिन मैं, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं ऐसी लड़की की तलाश में था। और मेरे बाप माँ बाप भी ऐसे हैं, और जो है हमने अभी तक किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, हमने अपने परिवार को देखा, लेकिन आज वही परिवार हमारे लिए नहीं है। तो हमें लगा, एक वीडियो देखा, 24 तारीख को रिलीज हुई, तो मैं संडे था, मैं नहा धो के गया तो वो वीडियो देखा, तो एक लड़की थी, ये यूपी से आती है, उसका जो है ये कुशीनगर से, तो वो भी ऐसे ही परेशान थी, हमारे विचार जैसे एक थे, उनका विचार सुना। तो एक दो दिन मैंने इग्नोर किया, लेकिन फिर पता नहीं क्या प्रेरणा हुई कि जाके गुरुजी से मिलो, क्या पता तुम्हारे लिए वो इंतज़ार कर रही होगी क्या तुम्हारा। अच्छा, तो बात हुई फिर आपके उस लड़की से? हमारी बात नहीं हुई। हाँ। तो हम आए यहाँ पे, और आपके ही जरिए पहुँच सकते हैं, और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। हमने कई, तो आप ढूंढो कहाँ है वो लड़की, आपको पसंद है उसको भी पूछ लेना कि उसको आप पसंद है कि नहीं। हाँ, तो मैं आपके जरिए अपना व्हाट्सएप नंबर देना चाहता हूँ, अगर उन तक पहुँचते तो हमसे संपर्क करें। अगर पता नहीं वो कहाँ होगी, देख रही होगी कि नहीं। हाँ, तो देख रही हूँ। 720-695-9590 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप जीवन में आप मेरी ज़िंदगी भी बना सकते हैं, आप उसकी भी ज़िंदगी बना सकते हैं। हम ऐसे प्रार्थना लेकर आए हैं। चलो, अच्छा, सुन रही होगी तो आपको आई लव यू भेजेगी वो। हम बीच में नदी है, हम इस पार वो उस पार, आप नाव खेवैया बन जाइए और हम दोनों को मिला दीजिए, यही प्रार्थना है। भगवान करे आप मिले, खुश रहिए। और जीवन में हम देने के सिवा कुछ लेना नहीं चाहते किसी से। आज तक 3-3 दिन तक भूखों मैंने सोया है, लेकिन भगवान ने ही व्यवस्था किया है, हमने किसी से मांग कर नहीं खाया है, और जब से हमने कमाने लगा हमने किसी को खिलाया है, किसी का खाया नहीं है। वाह, बढ़िया, ऐसी होना चाहिए, खुश रहिए। और जी, मैं अयोध्या नगरी के पास ही का हूँ, 50 किलोमीटर बवनान लगता है, हमारा ग्राम पैकोलिया पाली है, और मैं राम जी को मानता ही नहीं बल्कि उनके कर्मों पे चलना चाहता हूँ, चलता हूँ। मैं मांस मछली मदिरा गुटखा बीड़ी तम्बाकू कुछ भी नहीं खाता, सच बोलता हूँ हमेशा, और सच पर अडिग रहता हूँ मैं अपने कर्मों पर। चलो, अच्छा है, भगवान सुखी रखे वो भैया को, दो माइक पीछे वाले भैया को, बाकी लोग बाद में कल कर लेना प्रश्नोत्तरी।